उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन लखनऊ की बात करें तो मोहनलालगंज क्षेत्र में स्कूल खुले हुए हैं। कड़ाके की ठंड से यहां पर मासूम जो है वो ठिठुरते हुए पढ़ाई के लिए स्कूल पहुंच रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के सभी प्राथमिक स्कूलों के यहां छात्र छात्राओं को स्वेटर और ड्रेस के साथ जूते देने की बात कही थी, लेकिन आधा दिसंबर बीत जाने के बाद भी सरकारी स्कूलों में नौनिहालों को स्वेटर नहीं मिले हैं। सिस्टम की बात करें तो लेट लतीफी के चलते बच्चे ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं। हालांकि मंत्री का दावा है कि दिसंबर में स्वेटर बांट दिए जाएंगे। वहीं ABSA मनीष कुमार सिंह ने यहां पर बातचीत में बताया कि यहां पर मोहनलालगंज क्षेत्र में काम शुरू हो गया है और जल्दी स्वेटर बांट दिए जाएंगे। यहां से प्रसिद्ध पोर्टल पर लॉगिन की कार्रवाई की गई है। ठंड से बचाने के लिए धूप में क्लास भी लगाई जा रही है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन राजधानी लखनऊ में प्राथमिक विद्यालय जो अभी भी खुले हुए हैं, बच्चे वहां पर आ रहे हैं, उनके गार्जियन जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्वेटर बच्चे नहीं पहने हुए हैं, मास्क भी नहीं लगाए, ऐसे में क्या करेंगे सर? धनवारा का मामला है। देखिए, विद्यालयों में जो स्वेटर खरीदने के लिए पैसे थे वो सरकार द्वारा भेजे जा चुके हैं और लगभग सभी विद्यालयों में स्वेटर खरीदने के लिए पैसे प्राप्त हो चुके हैं और हमारे अध्यापकों द्वारा ये पूरी तरह से सुनिश्चित कराया जा रहा है कि सभी बच्चे स्वेटर पहन के विद्यालय में। जिन बच्चों ने अभी तक स्वेटर नहीं खरीदा है वो दूसरे जो उनके पास स्वेटर वगैरह है वो सब पहन के आ रहे हैं विद्यालय में। सर, शीतलहर चल रही है, ठंड कड़ाके की है, लेकिन बच्चे स्कूल आ रहे हैं सर, इसमें कोई बड़ा खतरा हो सकता है, इसके विषय में सर? देखिए, हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था की जा रही है बच्चों को, बच्चे जैसे धूप निकलती है बच्चों को धूप में बैठा के पढ़ाया जाता है और ये पूरी तरह से निश्चित किया जाता है, सुनिश्चित किया। ओके, मोहनलालगंज धनवारा में मौजूद हैं। आपको बता दें कि शीतलहर का मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन राजधानी लखनऊ के प्राथमिक विद्यालय आज भी खुले हैं। ठंड से ठिठुर रहे बच्चों के लिए जिलाधिकारी लखनऊ ने और शिक्षा विभाग ने कोई अहम कदम नहीं उठाया है और शीतलहर की छुट्टियों का अभी आदेश नहीं किया है। अभी देखने वाली बात है कि कब तक सरकार और प्रशासन इस मामले को गहनता से लेता है और बच्चों के लिए छुट्टी का आदेश करता है।